यूं तो हर साल टेलीविजन पर नए शोज आते और जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको 2021 से 2022 के दरमियान कलर्स टीवी पर लॉन्च होने वाले उन 13 शोज के नाम बताने वाले हैं जो बहुत ही जल्द आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं। ये सब जानने और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहें। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में पहले शो का नाम है परशुराम, जो कि होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च। ये शो एक माइथोलॉजिकल शो होगा जो कि हाई बजट शो में से एक होगा। अभी इस शो की स्टार कास्ट के लिए ऑडिशन जारी है, जैसे ही इसके रिलेटेड कोई अपडेट आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में दूसरे शो का नाम है थपकी प्यार की, जो कि करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी। अगर बात करें इस शो के सीजन 1 की, जिसमें जिज्ञासा सिंह और मनीष गोपलानी की केमिस्ट्री हमें देखने को मिली, जिसने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 2 साल तक राज किया और फिर 704 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद इसे ऑफ एयर कर दिया गया। आप इसके सीजन 2 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में तीसरे शो का नाम है साहिबा, जो कि मुस्लिम बैकग्राउंड की बेस पर होगा ये शो, जो कि कलर्स टीवी पर लॉन्च होगा, जिसको शोने स्क्वायर प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करेगा। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में चौथे शो का नाम है थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी, जो कि होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च, जिसमें हमें इशिता दत्ता और हर्षद अरोरा की केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें इशिता दत्ता की, तो वो इससे पहले कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बेपना प्यार में भी नज़र आ चुकी हैं, जबकि हर्षद अरोरा इससे पहले सोनी सब के पॉपुलर शो तेरा क्या होगा आलिया समेत कई पॉपुलर सीरियल्स में भी नज़र आ चुके हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में पांचवें शो का नाम है बालिका वधू सीजन 2, जो कि होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च। अगर बात करें इस शो के सीजन 1 की, तो इसके सीजन 1 में सिद्धार्थ शुक्ला, अविका गौर, अविनाश मुखर्जी समेत कई पॉपुलर फेसेस देखने को मिले, जिसने व्यूअर्स के दिलों पर 8 साल तक राज किया और फिर 2248 एपिसोड कम्प्लीट करने के बाद इसे ऑफ एयर कर दिया गया। आप इसके सीजन 2 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में छठे शो का नाम है बिग बॉस, जो कि करेगा 15वें सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी, जिसका लास्ट सीजन रुबीना दिलाइक ने अपने नाम किया था। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 7वें शो का नाम है नीमो डेंगजोंगपा, जो कि होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च, जिसके मेन लीड के लिए सुराभी दास को फाइनलाइज किया गया है, जो कि सुराभी दास का पहला शो है यानी डेब्यू शो है। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 8वें शो का नाम है नागिन सीजन 6, जो कि होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च, जिसके लास्ट सीजन में सुरभि चंदना और शरहत मल्होत्रा की केमिस्ट्री हमें देखने को मिली। आप इसके सीजन 6 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 9वें शो का नाम है द बिग पिक्चर, जो कि एक क्विज रियलिटी शो होगा, जो कि कलर्स टीवी पर लॉन्च होगा, जिसको रणवीर सिंह होस्ट करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 10वें शो का नाम है खूबसूरत भाग गया, जो कि होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च। फिलहाल अभी ये शो प्री प्रोडक्शन में है और इसका नाम चेंज भी हो सकता है, जैसे इसके रिलेटेड अपडेट सामने आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 11वें शो का नाम है हुनर, जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट की तरह का एक रियलिटी शो होगा, जो कलर्स टीवी पर लॉन्च होगा। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 12वें शो का नाम तो अभी रिवील नहीं हुआ, क्योंकि वो शो अभी प्री प्रोडक्शन में है, जिसको गुलखान का प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करेगा। ये शो एक सुपर नेचुरल शो होगा। गुलखान का प्रोडक्शन हाउस इससे पहले इमली नमक इश्का इश्क पर जोर नहीं जैसे पॉपुलर सीरियल्स को भी लॉन्च कर चुका है। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 13वें शो का नाम है मधुबाला एक इश्क एक जुनून, जो कि एक नए सीजन के साथ करेगा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी। अगर बात करें इसके सीजन 1 की, जिसके मेन लीड में विवेन डिसेना और दृष्टि धामी की केमिस्ट्री हमें देखने को मिली, जिसने व्यूअर्स के दिलों पर 2 साल तक राज किया और फिर 648 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद इसे ऑफ एयर कर दिया गया। इससे पहले हमने टॉप 50 अपकमिंग शोज ऑफ इंडियन टेलीविजन के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।